हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंदर कंपाउंड यूनिट कैसे बनाया जाए, कंपाउंड यूनिट बनाना बेहद आसान है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम एक न्यू कंपनी ले लेते हैं ताकि हम नई कंपनी में आपको कंपाउंड यूनिट बनाना सिखा सके। तो यहां पर कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन होता है और यहां पर एक कंपनी का नाम दे देता हूं मैं, रितेश एंड कंपनी, रितेश एंड कंपनी, ये कंपनी का नाम हो गया। तो ये इस तरीके से दे दिया, एंटर किया और यहाँ पे एड्रेस आएगा, तो जो लोकल एड्रेस है वो एड्रेस मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इस तरीके से। और ये टाइप करने के बाद एंटर करिए, एंटर करिए और यहाँ पे स्टेट आएगा, तो स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर पिन कोड आएगा, तो ये पिन कोड आप डाल दीजिएगा, अपने लोकल एरिया का पिन कोड आप डालिएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। और ये एक्सेप्ट कराते ही इस तरीके से ये एक नई विंडो आएगी। तो अभी कंट्रोल ए कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ पे जीएसटी का ये वीडियो नहीं है। तो अभी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें कंपाउंड यूनिट बनाना सीख रहा है। तो आप सिंपल यूनिट बनाना है तो यहाँ से क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं, जो भी यूनिट बनाना हो। जैसे यूनिट पे गए, आपको यूनिट बनाना है किलोग्राम, ये केजी किया, यहाँ पे फॉर्मल नेम दे देंगे किलोग्राम इस तरीके से और एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे पूछ रहा है, यानी यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहाँ पे आप किलोग्राम कर देंगे और यहाँ पे थ्री रख सकते हैं चाहे तो, एंटर करते हैं तो ये एक यूनिट बन गया। अब मान लीजिए ग्राम बनाना है तो यहाँ पे जीएम कर देंगे और जीएम करने के बाद यहाँ पे ग्राम कर देंगे क्योंकि ये सिंबल है ऊपर जो लिखा हुआ है। और यहाँ पर आते हैं तो ग्राम का कोड आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम का कोड नीचे दिख रहा है, ये देखिए ये यूक्यूसी कोड है, यानी यूनिट क्वांटिटी कोड, एंटर करेंगे और यहाँ पे थ्री कर देते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं। अब ये तो दो यूनिट हमने बना लिए, लेकिन कंपाउंड यूनिट कहाँ बनाए, कंपाउंड यूनिट तो बनाया ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार बैक स्पेस की प्रेस करनी है, ऊपर आपको दिखेगा कंपाउंड, तो यहां पे चले चलिए और एक किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं कन्वर्जन बताइए, तो 1000 ग्राम होते हैं एक किलोग्राम में, ठीक है। किलोग्राम ऑफ 1000 ग्राम इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये हो गया आपका कंपाउंड यूनिट, ठीक है। तो कंपाउंड यूनिट ये इस तरीके से बनेगा। तो जब भी आपको कंपाउंड यूनिट बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब इसका आप यूज कर सकते हैं।